गाइस, लास्ट के दो वीडियो में मैंने बताया था कि फंक्शंस आर्डिनो में जो फंक्शंस होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनके एग्जांपल को हम लोगों ने देखा था और उनसे प्रोग्राम भी बनाया था। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आर्डिनो में जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो कैसे काम करते हैं, उन्हें हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, आर्डिनो में जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उसको मैं पहले ही अपने प्रोग्राम में यूज़ कर चुका हूँ और आप लोगों को पता ही होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पिन मोड, डिजिटल रीड, डिजिटल राइट। अब चलिए, अब हम लोग थोड़ा और एक स्टेप ऊपर बढ़ते हैं और समझते हैं कि और भी बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो कैसे काम करते हैं और हम लोग उनको अपने प्रोग्राम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में जो फंक्शन बनाया था इंट चेक सेंसर नाम का एक फंक्शन बनाया था। तो ये हो गया कि मेरा खुद का बनाया हुआ फंक्शन, यानी कि प्रोग्रामर जो प्रोग्राम करते हैं आर्डिनो को या कोई भी और चीज़ को, जैसे ESP32 बोर्ड को, तो उसके लिए पार्टिकुलर अलग से प्रोग्राम फंक्शंस बनाते हैं। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इंट चेक सेंसर नाम का फंक्शन है। ये क्या करता था कि सेंसर जो मैंने LDR सेंसर लगाया उसे चेक करता था। अगर सेंसर वैल्यू 400 के प्लस जाता था तो वो हमारे बल्ब को जो है ऑन कर देता था। अगर 400 के नीचे रहता था, यानी कि लेस देन 400, तो वो क्या करता था कि बल्ब को जो लो कर देता था। तो ये था कि हम लोगों का प्रोग्रामर का बनाया हुआ है फंक्शन। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि प्री डिफाइंड फंक्शन कैसे काम करता है, उसको हम लोग अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, प्री डिफाइंड फंक्शन को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आर्डिनो बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आर्डिनो में जो है प्री डिफाइंड फंक्शन 12 टाइप्स के होते हैं, यानी 12 तरह के होते हैं। उनमें से मैं आज जो है कुछ को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैं सारे 12 टाइप्स को समझाने के लिए बैठूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो आगे का जो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकूंगा वो आगे की प्रोग्रामिंग में हम लोग समझेंगे। मैं प्रोग्राम बनाकर आप लोगों को रिमाइंड करता जाऊंगा कि हाँ, ये है प्री डिफाइंड फंक्शन एडवांस वाला। तो जो बेसिक्स है उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आता है डिजिटल आईओ। डिजिटल आईओ में तीन टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, एक पहला पिन मोड, दूसरा हो गया डिजिटल रीड, तीसरा हो गया डिजिटल राइट। अब गाइस, ये जो है डिजिटल आईओ वाला हम लोग फंक्शन पहले भी समझ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पिन मोड। अब पिन मोड में क्या होता है, पिन मोड नाम का एक फंक्शन है जिसे हम लोग अपने प्रोग्राम में डिफाइन नहीं करते, उसके कोड को लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये आर्डिनो जो कंपनी के द्वारा हम लोगों को बनाकर दिया गया प्री डिफाइन है। इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस जो फंक्शन है उसके प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को यूज़ कर लेना है। प्रोटोकॉल्स कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि प्री डिफाइन फंक्शन आर्डिनो में डिफाइन किया हुआ है उसी टाइप से हम लोगों को लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पिन मोड का जो है फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल से शुरू होगा PIN, उसके बाद फिर मोड का जो है कैपिटल हो जाएगा, M कैपिटल हो जाएगा। तो ये प्रोटोकॉल है लिखने का प्री डिफाइंड फंक्शंस को। अब ब्रैकेट के अंदर हम लोग आते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग इसमें रहता है पिन और वैल्यू रहता है कि मोड रहता है कि इनपुट रहेगा या आउटपुट रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग पिन मोड लिखते हैं, ब्रैकेट देते हैं, पैरेंथेसिस, जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग की भाषा में पैरेंथेसिस भी कहते हैं। हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर पिन नंबर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ LDR सेंसर लगाया है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं LDR सेंसर। ये हो गया पिन जिसका मैंने नाम दिया ऊपर, पिन नंबर 14 का। अब नेक्स्ट हम लोग कॉमा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मोड को डिफाइन करते हैं, या इनपुट रहेगा या आउटपुट रहेगा। तो गाइस, इसके नाम से ही आप लोगों को समझ में आता होगा पिन मोड, यानी कि हम लोग पिन के मोड को डिफाइन कर रहे हैं और आर्डिनो प्रोग्राम को बता रहे हैं कि कौन सा मोड होगा। और नेक्स्ट लाइन में हम लोग चलते हैं पिन मोड, देख लीजिए आप लोग। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पिन मोड। अब यहाँ पे मैंने लिया है बल्ब, यानी कि बल्ब हो गया आउटपुट, आउटपुट के लिए मैंने लिया है बल्ब। तो ये क्या हो जाएगा, पिन मोड बल्ब मैंने लिया है, नाम दिया पिन का, कॉमा देने के बाद आउटपुट लिखा है, मतलब कि ये आउटपुट हो जाएगा। ये था पिन मोड। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिजिटल राइट। अब डिजिटल राइट में क्या होता है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसका प्रोटोकॉल कुछ इस टाइप का है। डिजिटल राइट आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसमें हम लोग फिर से
पैरेंथेसिस देंगे, अब इसमें हम लोग फिर से पिन डिफाइन करेंगे, मतलब कि कौन से पिन को हम लोगों ने ऊपर में डिफाइन किया था उसको यूज़ में लेना है। मान लीजिए डिजिटल राइट, मतलब डिजिटल पिन ऑर्डिनो में, जो मैं ऑर्डिनो नैनो यूएनओ की बात करूँ तो उसमें टोटल नंबर ऑफ 14 पिन्स होते हैं डिजिटल आईओ के लिए और 6 पिन होते हैं एनालॉग के लिए। तो अभी हम लोग एनालॉग की बात नहीं करेंगे, डिजिटल की बात करेंगे। तो डिजिटल में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ ऊपर में मैंने डिफाइन किया बल्ब नाम का एक पिन डिफाइन किया, जो कि पिन नंबर 3 पे मैंने कनेक्ट किया है। तो उस पिन के नाम को मैंने यहाँ लिख दिया है बल्ब नाम का, जो कि पिन नंबर 3 को मैंने डिफाइन किया बल्ब से। तो यहाँ कॉमा देने के बाद मैं लिखूंगा चेक सेंसर। अब यहाँ मैं वैल्यू भी लिख सकता हूँ, यहाँ मैंने डायरेक्ट फंक्शन लिख दिया है, यानी कि ये जो फंक्शन को कॉल करेगा इसके अंदर, तो चेक इंट चेक सेंसर नाम का फंक्शन यहाँ कॉल होगा। तो इसके अंदर जो भी लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट है वो रन होंगे इसके अंदर, डिजिटल राइट बल्ब कॉमा चेक सेंसर के अंदर। तो मान लीजिए मैंने ऊपर एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है एलईडी को ब्लिंक कराने वाला, तो इसमें मैं क्या करूँगा, डिजिटल राइट बल्ब हाई कर दूंगा। तो इसमें क्या होगा कि बल्ब हाई हो जाएगा। तो ये था डिजिटल राइट। अब चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट डिजिटल रीड। गाइस आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने डिजिटल रीड के लिए एक प्रोग्राम बना लिया, जो कि मैं पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ। अब मैं इसको फिर से मैं बताने वाला हूँ डिजिटल रीड के लिए फंक्शन के लिए कि ये कैसे काम करता है। तो ये प्रोग्राम है सिंपल सा, मैं जब ऑर्डिनो में बटन जब प्रेस करूँगा तो एलईडी जो है ग्लो होगा, एलईडी बल्ब जो ग्लो हो जाएगा, जैसे मैं बटन को छोड़ दूंगा वो एलईडी जो है ऑफ हो जाएगा। तो अब इस प्रोग्राम को समझते हैं। इस प्रोग्राम को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको पहले समझा चुका हूँ। हम लोग समझते हैं डिजिटल रीड कैसे काम करता है। तो वाइड लूप के डायरेक्टली हम लोग वाइड लूप के अंदर आते हैं। तो यहाँ मैंने इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया, इफ डिजिटल रीड बटन इक्वल टू हाई। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी मैंने प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ किया है डिजिटल रीड। अब इसमें क्या होगा कि डिजिटल रीड मुझे रीड करना है, नाम से ही पता चल रहा है डिजिटल रीड करना, मतलब कि डिजिटल पिन से मुझे कुछ रीड करना है। तो अब उसमें क्या होगा कि मैंने डिजिटल पिन में मुझे कुछ कोई बटन कनेक्ट करना है, कोई भी स्विच कनेक्ट करना है, तो मैं फंक्शन का यूज़ करूँगा डिजिटल रीड। अब इसमें पैरेंथेसिस के अंदर मैं उस बटन का नाम दूंगा जो मैंने ऊपर में बटन के लिए डिफाइन किया है, मतलब कि बटन नंबर 4 के लिए मैंने डिफाइन किया है, बटन नाम दिया है उसका। तो यहाँ मैं लिख दूंगा बटन, यानी कि जो मैंने ऑर्डिनो के डिजिटल पिन नंबर 4 पे मैंने डिफाइन किया है 4 के लिए बटन, उसको मैं यहाँ लिखूंगा। तो अब ये एक प्रोग्राम क्या करेगा कि इफ डिजिटल रीड बटन इक्वल टू हाई, मतलब कि पिन नंबर 4 अगर हाई रीड हो जाएगा, सेंस होगा रीड हाई, तो जो है हमारा डिजिटल राइट बल्ब को जो है हाई कर देगा। अब इसमें मैं प्रोग्राम को थोड़ा चेंज करके आप लोगों को बताता हूँ। अब मैं जो यूज़ करने वाला हूँ एक और फंक्शन, डिले फंक्शन, DELY डिले, इसका लिखने का कुछ प्रोटोकॉल इस टाइप का है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, डिले 1000। अब जैसे ही मैं डिले 1000 लिखूंगा, अब थोड़ा प्रोग्राम में चेंजिंग आ जाएगा। चेंजिंग करने का मतलब क्या होगा, जैसे ही जब मैं बटन को प्रेस करके छोड़ दूंगा तो एक सेकंड के लिए, यानी कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं 1000 मिली सेकंड, यानी कि एक सेकंड के लिए वो जो एलईडी है हाई होगा, फिर से लो हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में मैंने डिले फंक्शन का भी यूज़ किया है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसका ये प्रोटोकॉल कुछ इस टाइप का है। अब नेक्स्ट हम लोग चलिए समझते हैं एनालॉग आईओ। एनालॉग आईओ में 3 टाइप्स के एनालॉग आईओ होते हैं, एनालॉग रीड, एनालॉग राइट और एनालॉग रेफरेंस। तो इसमें 3rd नंबर वाला जो है एनालॉग रेफरेंस, मैं आगे की वीडियो में समझाऊंगा, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए ऊपर वाले 2 टाइप्स को हम लोग समझते हैं, एनालॉग रीड और एनालॉग राइट। एनालॉग रीड और राइट दोनों सेम है, बस इसमें क्या होगा कि एनालॉग से नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है एनालॉग, यानी कि हम लोगों को ऑर्डिनो में जब प्रोवाइड किया गया है पिन, ऑर्डिनो का जो एनालॉग पिन है 6 पिन, उसको हम लोगों को यूज़ करना है।
अगर उसको यूज करना है तो हम लोगों को अपने प्रोग्राम में फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा डिजिटल की जगह एनालॉग, यानी कि हम लोग डिजिटल पिन का यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिजिटल रीड और डिजिटल राइट, लेकिन अगर हम लोगों को एनालॉग के लिए यूज करना है तो एनालॉग रीड और एनालॉग राइट के लिए यूज करते हैं, बाकी हम लोगों को सब कुछ सेम रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अब एनालॉग पिन को हम लोग यूज करना है, तो एनालॉग पिन स्टार्ट होते हैं पिन नंबर 14 से, यानी कि 14, 15, 16, 19 तक जाता है ये। तो हम लोगों को अगर एनालॉग A0 यूज करना है तो हम लोगों को लिखना होगा सिंपल सा 14 नंबर, और बल्ब के लिए मान लीजिए 15 करते हैं या 16 कर देते हैं। तो इसको मैं कमेंट में थोड़ा लिख देता हूँ। तो गाइस इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कौन सी पिन में कनेक्ट करने वाला हूँ। तो ये दोनों एनालॉग के लिए, गाइस आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने एनालॉग रीड और एनालॉग राइट के लिए एक फंक्शन, एक प्रोग्राम बना लिया है। अब चलिए इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं गाइस एनालॉग रीड और एनालॉग राइट को, अब हम लोग और डिटेल्स में समझते हैं। मान लीजिए मुझे एक सेंसर कनेक्ट करना है अपने आर्डिनो में, जो सेंसर कुछ वैल्यू प्रोवाइड करता है आर्डिनो को और उसके बेस पे आर्डिनो एक्ट करके हमें रिजल्ट देता है। मान लीजिए रिजल्ट हम लोगों को लेना है डिस्प्ले पे, लेना है डिस्प्ले पे ले सकते हैं, और रिजल्ट हम लोगों को LED पे लेना है, LED बल्ब पे भी ले सकते हैं। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। मान लीजिए एनालॉग रीड, जो मैंने पिन नंबर 14 पे मैंने एक सेंसर लगाया, जो कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, मान लेते हैं हम लोग पिछली वाली वीडियो से लेते हैं LDR सेंसर। अब LDR सेंसर क्या करता है, वो लाइट को सेंस करके कुछ वैल्यू जो है आर्डिनो को देता है। तो ये सारा जो वैल्यू जो है डिजिटल पिन सेंस नहीं कर सकता है। इसको सेंस करने के लिए हम लोगों को आर्डिनो में 6 पिन दिए गए हैं एनालॉग पिन, इसमें हम लोग वैल्यू को सेंस करते हैं। मान लीजिए LDR सेंसर कुछ वैल्यू 0 से लेकर 255 तक कुछ वैल्यू देता है आर्डिनो को, या 400, 500 कुछ भी दे सकता है। मैंने यहाँ पे लिया है 255 तक। अब वो क्या करेगा, 200 मैंने यहाँ पे लगाया है इफ स्टेटमेंट का यूज करके। इफ एनालॉग रीड बटन जो है मैंने पिन नंबर 14 पे कनेक्ट किया, अगर उस पे वैल्यू जो है 200 हो जाएगा तो एनालॉग राइट बल्ब 100 का मतलब क्या हुआ। आप लोगों ने बहुत जगह पे नोटिस किया होगा कि बल्ब जो है कुछ वैल्यू में, मतलब कि वो लाइट के अकॉर्डिंग ग्लो होता है। मान लीजिए इनिशियली 0 से स्टार्ट होके ऑफ से वो अपने पीक परफॉर्मेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट ग्लो करता है, यानी कि धीमे धीमे ग्लो होता है वो। तो इसी तरीके से वो कुछ वैल्यू लेता रहता है, मान लीजिए 0 से 255 तक में। तो उसी तरीके से हम लोग आर्डिनो में बल्ब को LED जो बल्ब लाइट जो होता है, लाइट को ग्लो करवा सकते हैं अलग अलग वैल्यूज में, मतलब कि अलग अलग उसके लाइट्स में ग्लो करवा सकते हैं। मान लीजिए 100 लिया मैंने, तो LED का जो ग्लो पावर है जो वो अपने पीक परफॉर्मेंस पे जो लाइट देता है, तो उसमें मैं 255 मैं असाइन करूँगा, तो उसमें जो LED का जो पीक पावर है, मतलब कि जो लाइट है प्रोड्यूस करने का, वो अपने हाइएस्ट परफॉर्मेंस पे होगा। अगर मुझे उतनी लाइट नहीं चाहिए, मुझे कम लाइट चाहिए, तो मैं यहाँ पे एनालॉग लाइट का इस्तेमाल करके उसे वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं मैंने फंक्शंस का यूज़ किया है एनालॉग लाइट बल्ब 100, यानी कि जो LED बल्ब है वो कम ग्लो होगा एज कम्पेयर टू 255 वैल्यू अगर मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, इफ डिजिटल रीड बटन इक्वल टू 200, अगर बटन का वैल्यू जो 200 हो जाएगा तो मैं यहाँ पे 255 भी लिख सकता हूँ। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा LED जो है बहुत ज़्यादा ग्लो हो जाएगा, यानी कि वो अपने पीक परफॉर्मेंस पे पहुंच जाएगा। तो गाइस ये था एनालॉग रीड एनालॉग राइट, एनालॉग रेफरेंस मैं आगे की वीडियो में समझाऊंगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं टाइम, यानी कि टाइम फंक्शंस क्या काम करता है। तो टाइम फंक्शंस के अंदर हम लोग आते हैं तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं, मिलीज, माइक्रोस, डिलेस और डिले फंक्शन। डिले को मैंने पिछले एग्जांपल में समझाया आप लोगों को, अभी डिले 1000, डिले 2000। तो एक इसमें मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल से नहीं, सिंपल सा मान लीजिए मैंने डिले फंक्शन का यूज करना डिले 1000, तो इसमें हम लोग जो वैल्यू लिखते हैं उतने समय के लिए वो प्रोग्राम डिले पे जाता है।
एग्जांपल के तौर पे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, डिले फंक्शन का मैंने यूज किया है डिले 1000, यानी कि 1 मिलीसेकंड के लिए डिले होगा ये टाइम। अब मान लीजिए मुझे मिलीसेकंड नहीं माइक्रो सेकंड चाहिए, बहुत कम सेकंड चाहिए, माइक्रो सेकंड। तो अब इस केस में क्या करेंगे हम लोग, डिले माइक्रो सेकंड। अब आप लोगों ने यहाँ पे कुछ बातें नोटिस की होगी कि यहाँ पे सिंटैक्स जो कलर है डिले माइक्रो सेकंड का, मैंने यहाँ पे एक डिजिट एक कैरेक्टर कम कर दिया, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ब्लैक हो गया डिले माइक्रो सेकंड। ये जो स्पेलिंग है, जो प्रोटोकॉल्स है, अगर ये पूरा हो जाएगा तो ये जो कलर है चेंज हो जाएगा। तो इसे आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है अगर हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज करते हैं तो। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं डिले माइक्रो सेकंड, यानी कि अब ये माइक्रो सेकंड मोड में आ जाएगा 1000 माइक्रो सेकंड, यानी कि 1000 माइक्रो सेकंड इक्वल टू 1 मिली सेकंड। अब इसे हम लोग 1 माइक्रो सेकंड से भी यूज कर सकते हैं, 1 माइक्रो सेकंड से लेकर आप लोग जितना टाइम चाहो ऊपर ले सकते हैं। तो ये हो गया माइक्रो सेकंड और डिले, माइक्रो सेकंड और डिले। अब चलिए हम लोग समझते हैं मिली, इसका काम कहाँ पे आता है। डिले मिली, तो गाइस जैसे हम लोग अपने प्रोग्राम में मिलीज फंक्शन का यूज करते हैं तो ये प्रोग्राम में एक्टिवेट होगा, और जैसे ही ऑर्डिनो रन होना स्टार्ट होगा उस टाइम से ये मिली सेकंड को काउंट करने स्टार्ट करेगा, जब तक कि हम लोग ऑर्डिनो को ऑफ नहीं कर देते। तो हम लोग काउंट करने के लिए मिली सेकंड मिली फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब एक और फंक्शन आता है टाइम में, माइक्रोस, माइक्रोस फंक्शन, ये भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। ऊपर में मिली सेकंड के लिए हम लोग मिलीज का इस्तेमाल करते हैं और माइक्रो सेकंड के लिए हम लोग माइक्रोस का इस्तेमाल करते हैं, MICRO माइक्रो सेकंड। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग अपने प्रोग्राम में माइक्रोस का यूज कर रहे हैं तो मान लीजिए प्रोग्राम मेरा रेडी है बनके, हम लोग अपलोड करते हैं प्रोग्राम को। अब जैसे ही हम लोग ऑर्डिनो में पावर देते हैं, ऑर्डिनो में जो प्रोग्राम रन होता है उस टाइम से ये माइक्रो सेकंड को काउंट करने स्टार्ट करेगा, और ये तब तक काउंट करता रहेगा जब तक कि हम लोग ऑर्डिनो से पावर ऑफ नहीं कर देते हैं। तो गाइस ये था टाइम फंक्शन। अब चलिए हम लोग लास्ट समझते हैं आज की वीडियो के लिए, लास्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस में मैं बहुत सारे इसमें टाइप्स होते हैं, मैं कुछ ही टाइप्स को आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे एज एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप लोग सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल अवेलेबल, सीरियल प्रिंट और सीरियल प्रिंट लाइन। तो हम लोग चलिए समझते हैं सीरियल डॉट बिगिन सबसे पहले। गाइस ये जो है प्री डिफाइंड फंक्शन जो कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग ज़्यादा सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। मान लीजिए ऑर्डिनो में TX RX जो पिन है हम लोग उसको यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसकी वैल्यू को हम लोग अपने सीरियल मॉनिटर पे भी प्रिंट करा सकते हैं इस फंक्शन के हेल्प से। तो अब चलिए हम लोग समझते हैं कि सीरियल फंक्शन कैसे काम करते हैं, सॉरी कम्युनिकेशन प्री डिफाइंड फंक्शन। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं सीरियल डॉट, सीरियल के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डॉट सेपरेटर के बाद बिगिन, ये है लिखने का प्रोटोकॉल। अब हम लोग अपने प्रोग्राम में कहाँ यूज़ करते हैं, तो सीरियल डॉट बिगिन फंक्शंस को हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में वॉइड सेटअप के अंदर, मतलब कि सीरियल कम्युनिकेशन को, सीरियल पोर्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। एज एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम में देखा होगा सीरियल डॉट बिगिन 9600। तो ये क्या होता है 9600, मतलब कि हम लोग डेटा ट्रांसफर दो टाइप से होते हैं, एक पैरेलल एक सीरियल। मान लीजिए हम लोगों को सिंगल वायर से हम लोगों को डेटा ट्रांसफर करना है। अब एग्जांपल के तौर पे सबसे अच्छा एग्जांपल इसका हो सकता है हम लोग अपने फ़ोन या लैपटॉप से ऑर्डिनो को प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें 4 वायर होते हैं प्लस माइनस और डेटा प्लस और डेटा माइनस, यानी कि TX और RX के लिए। तो हम लोग इसे इसके हेल्प से समझ सकते हैं कि सीरियल प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है। तो ये एक वायर या दो वायर से काम करता है। तो 96600 कहने का मतलब कि ये, इसको चलिए मैं सबसे पहले कमेंट में समझाने के लिए लिख देता हूँ 96 बिट
96 बिट पर सेकेंड, यानी कि हम लोग अपने डेटा को जब भेजते हैं तो वो बिट और बाइट में होता है। तो बाइट में तब ट्रांसफर होता है जब हम लोग पैरेलल डेटा ट्रांसफर का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग सीरियल डेटा ट्रांसफर का यूज़ करते हैं तो वो बिट में ट्रांसफर होता है, जीरो और वन में। जीरो और वन कहने का मतलब ये, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, अगर इसको आप लोग समझना चाहते हैं तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो, मैं आगे की वीडियो में बिट बाइट सबको क्लियर करने वाला हूँ। तो अभी हम लोग समझते हैं 9600 बिट पर सेकेंड, मतलब कि हम लोग सीरियल वायर से ट्रांसफ़र करते हैं एक वायर से अपने डेटा को, तो वो बिट में ट्रांसफ़र होता है। तो 9600 बिट पर सेकेंड की स्पीड से वो डेटा जो है सीरियल कम्युनिकेशन से ट्रांसफ़र होता है। तो इसको हम लोग इनिशियलाइज करने के लिए सीरियल डॉट बिगिन 9600 का यूज़ करते हैं अपने वॉइस सेटअप फंक्शन के अंदर। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सीरियल डॉट अवेलेबल, सीरियल डॉट अवेलेबल। अब इस फंक्शन में क्या होता है, हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, मान लीजिए RX और TX। तो इसमें मैं यूज कर रहा हूँ RX, यानी कि सीरियल डॉट अवेलेबल से नाम से ही पता चल रहा है RX पिन का यूज होगा Arduino में। तो अब इस पिन में क्या होगा, मान लीजिए कोई मुझे बाहर से कुछ डेटा लेना है, एज एग्जाम्पल के तौर पे अपने फ़ोन से या लैपटॉप से डेटा हमको लेना है सीरियल मॉनिटर पे, तो वो सीरियल मॉनिटर पे किसके थ्रू लेगा, RX और TX पिन की हेल्प से। तो हम लोग RX पिन की हेल्प से समझते हैं कैसे होगा। मान लीजिए RX पिन पे कोई डेटा अवेलेबल है, वेट कर रहा है Arduino में जाने के लिए, तो हम लोग उस केस में सीरियल डॉट अवेलेबल का फंक्शन का यूज़ करके हम लोग उस डेटा को रीड कर सकते हैं अपने Arduino में और सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हो गया सीरियल डॉट अवेलेबल फंक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आप लोगों ने बहुत से प्रोग्राम में इसको देखा होगा, सीरियल डॉट प्रिंट और सीरियल डॉट प्रिंट लाइन, दोनों एक ही टाइप के फंक्शन हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए मैं इसको अपने स्क्रीन पर सबसे पहले प्रोग्राम में लिख लेता हूँ, सीरियल डॉट प्रिंट। नेक्स्ट है सीरियल डॉट प्रिंट लाइन। अब गाइस यहाँ आप लोग देख सकते हैं सीरियल डॉट प्रिंट और सीरियल डॉट प्रिंट लाइन, ये दोनों ही फंक्शन हम लोगों को Arduino में जो IDE है उसमें जो सीरियल मॉनिटर है उस पर कुछ हम लोगों को प्रिंट कराने के लिए दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिखते हैं यहाँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है या अपने नाम को प्रिंट कराना है। मान लीजिए मैं अपने नाम को प्रिंट कराऊंगा तो सीरियल डॉट प्रिंट, मैं अपना नाम को लिखूंगा यहाँ तो गाइस यहाँ आप लोग देख सकते हैं, मैंने अगर मुझे अपना नाम को सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करवाना है तो सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ ये प्रोटोकॉल का यूज करके हम लोग अपने नाम को प्रिंट करा सकते हैं। अब इसी तरीके से सीरियल डॉट प्रिंट लाइन, इसमें क्या होगा, मान लीजिए सीरियल डॉट प्रिंट, अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम लोग सीरियल डॉट प्रिंट दो बार हम लोगों को प्रिंट कराना है, तो इस केस में क्या होगा कि दोनों ये जो आप लोग ऊपर और नीचे वाला जो सीरियल डॉट प्रिंट देख सकते हैं तो ये एक के बगल में एक प्रिंट करा देगा। अगर हम लोगों को न्यू लाइन में कुछ प्रिंट कराना है तो इस केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीरियल डॉट प्रिंट लाइन। तो अगर नेक्स्ट लाइन में हम लोगों को प्रिंट कराना है कुछ वैल्यू, कुछ नाम, कुछ भी प्रिंट कराना है सीरियल मॉनिटर पे, तो हम लोग लिखते हैं सीरियल डॉट प्रिंट लाइन। अब इसमें हम लोग देंगे अब नेक्स्ट लाइन में हम लोगों को प्रिंट कराना, मान लीजिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोग नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीरियल डॉट प्रिंट लाइन।
गाइस ये थे कुछ कम्युनिकेशन फंक्शन जो कि प्री डिफाइन आर्डिनो में मौजूद हैं। हम लोग इसको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आज की वीडियो में मैंने कुछ प्री डिफाइन फंक्शन को आप लोगों के आगे रखा, मैंने शेयर किया कि कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। और भी बहुत सारे प्री डिफाइन फंक्शन हैं, मैंने शुरू की वीडियो में ही बताया कि उसको आगे आने वाली वीडियो मैं यूज़ करूँगा और बताऊँगा कि इसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो गाइस अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।